लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चेन्नई सुपर किंग्स शानदार जीत दर्ज करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर धकेल दिया। दुनिया के बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चित परिचित अंदाज में छक्का जड़कर सीएसके को 5 विकेट से मैच जिताया। इसी के साथ पंजाब आईपीएल अब बाहर हो गई और राजस्थान रॉयल को अंतिम 4 में जगह मिली। मैच जीतने के बाद का सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेटी जीवा के साथ ग्राउंड में मस्ती करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मैच जीतने के बाद सभी खिलाड़ी प्रेजेंटेशन के लिए खड़े थे, उसी वक्त जीवा पापा से मिलने ग्राउंड पर आ गईं। धोनी ने नीचे बैठकर उनके साथ खूब मस्ती की। जीवा धोनी की कैप से खेलती नजर आई। जीवा धोनी की कैप में बने चेन्नई सुपर किंग्स के लोगों को टच कर रही थी। बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 153 रन बनाए। पंजाब के ओपनर केएल राहुल और क्रिस गेल कुछ खास नहीं कर पाए। करुण नायर ने 54 रन की शानदार पारी खेली। लुंगी एंगिडी की गेंदबाजी के सामने पंजाब के खिलाड़ी पस्त नजर आए। लुंगी एंगिडी ने 4 ओवर में 10 रन देते हुए 4 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर और ब्रावो ने 2-2 विकेट लिए। चेन्नई के लिए भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन रैना के 61 रन के बदौलत टीम जीत गई। अंत में धोनी ने छक्का जड़कर मैच जिता दिया।